अब काम कानून का है और कानूनन जो भी कार्रवाई उनके लिए नियत होगी वो कार्रवाई उन पर की जाएगी। सर बागेश्वर वाला मामला जो था इसमें तीन अक्षर की डेथ हो गई है, उसमें ये स्थानीय जो ग्राम प्रधानों में फोन भी गया तो उसके बाद भी बहुत लेट से हुआ है, हालांकि अभी इलाज चल रहा है तो उस पर आप। मैं समझता हूँ कि देखिए मैं प्रत्यक्ष उन लोगों से कल मिला और ये दिन दिन की शादी थी और दोपहर का भोजन सब लोगों ने किया, रात तक भी कुछ कुछ लोगों को हल्की प्रॉब्लम हुई, लोगों ने भी उसको बहुत जैसा सीरियस उसको लिया जाना चाहिए था, शायद समझ नहीं पाए कि वो उसका कितना नुकसान हो सकता है क्योंकि सामान्य व्यक्ति के लिए समझना काफ़ी कठिन होता है, फिर कोई चीज़ ऐसी दिखी भी नहीं कि जिसके कारण ये प्रतीत हो कि इसमें पॉइजन हुआ है। सुबह लगभग मुझे दिल्ली में था, मुझे दिल्ली में इसकी खबर थी और हमने तत्काल हेलीकॉप्टर वहाँ पर भेजे, मैं यहाँ पर आया, मैंने भी एक प्रोग्राम में जाना था और प्रोग्राम में छोड़ करके अपना हेलीकॉप्टर भी वहाँ पर भेजा, तो त्वरित जो सहायता हो सकती थी वो वहाँ पर की है, डॉक्टर्स हमने यहाँ से भी भेजे हैं और कुमाऊँ मंडल के भी जो फिजिशियन थे जो जो खबर मिलती तो सबको वहाँ पर भेजा गया है। मैं समझता हूँ कि हमारे पहाड़ों का कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि जहाँ पर हम अगर बहुत जल्दी भी करें उसके बावजूद भी एक निश्चित समय की ज़रूरत होती है, समय अधिक लगता है। जब हेलीकॉप्टर गया तो कुछ समय के बाद मौसम खराब हो गया, फिर शाम के जो वो वहाँ से रेस्क्यू करने का काम होना चाहिए था उसके कारण भी बाधा उत्पन्न हुई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि 41 से ज़्यादा लोगों की जान केवल जो रेस्क्यू किया उसके कारण उनकी बच गई और जो स्थानीय स्तर पर जो डॉक्टर्स भेजे इधर से भेजे लोग एक साथ इतने लोग बीमार हो गए, अस्पतालों में इतनी कैपेसिटी के हमारे अस्पताल नहीं है, तो वहाँ पर डॉक्टर्स ने अपने हिसाब से बहुत अच्छा प्रयास किया है और लगभग 43 लोगों में मिलकर आए, सबने कहा कि अच्छा था।